खड़े हो ना? हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं अभी नागनी माता के, अभी बज रहे हैं 12 और हम पहुंचेंगे फिर नागनी माता के। वहाँ की खासियत है कि जो भी बीमार लोग होते हैं यहाँ के गांव के, या किसी सांप ने काटा होता है। हेलो गाइस, तो ये है नागनी माता का प्रवेश द्वार। वैसे नागनी माता के दो दरबार हैं, तो हम ये कच्चे रास्ते से जा रहे हैं, यहाँ से पैदल जा सकते हैं यात्री जो माता के भगत हैं। और एक दूसरा रास्ता है पीछे से, उससे गाड़ियों से भी जा सकते हैं। तो हमें यहाँ बस ने यहाँ पर उतारा था, तो हम बाय वॉकिंग पूरा परिवार पैदल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी रास्ता है, तो यहाँ से गाड़ी वाड़ी का जाना अलाउ नहीं है। तो अभी और आप देख सकते हो पूरा राइट साइड सारा कच्चा रास्ता बना हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए, और भी यात्री आगे जा रहे हैं। वैसे अभी सारा खाली खाली है, क्योंकि यहाँ मई जून में भीड़ लगती है, अब तो मेले लगते हैं नागनी माता के। काफ़ी करिश्माई और काफ़ी प्राकृतिक जगह है नागनी माता की, और काफ़ी चमत्कारी है। काफ़ी लोगों के दुख तकलीफ़ें दूर हुई हैं यहाँ पे माता रानी के। तो अभी मैं यहाँ से जा रही थी, तो एक यहाँ के जो दुकान वाले भैया, वो पूछ रहे आप यूट्यूबर हो, तो मैं उनको बता रही थी। गाइस, तो नागनी माता में एक और खुशी की बात हो गई, क्योंकि ये अमृतसर वाली मासी हैं, मम्मी जी की बहन सिस्टर, तो वो भी साथ में आ गई थी, तो नज़ारा दिखा देती हूँ। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, एंजॉय हो रहा था। और ये मैं आपको पहाड़ी दिखाने का भी, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था, तो मैं सिर्फ नहीं गया, तो मैं वो भी आपको दिखा रही थी। तो चारों तरफ है ना खाई खाई है, और कितने वहाँ आधा रास्ता कवर हो गया नागनी माता का, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा शैडो के नीचे आराम करने बैठ गए, क्योंकि मम्मी और मासी जी थके थे, वो उनकी एज के हिसाब से नहीं चल पा रहे थे। गैस, तो नागनी माता की एक पुरानी कथा भी है, पुराने समय की बात भी है, सुनी कि नागनी माता यहाँ पे एक कोड़ी आया हुआ था गांव से अलग यहाँ पे, क्योंकि उसको कोड़ हुआ था। तो उसको सपने में नागनी माता ने दर्शन दिए और उसको बोला कि मेरा जो शक्कर है वो तो अपने कोड़ पे लगा जहाँ ग्रस्त स्थान है, और मेरी जलधारा से नहा। तो जब उसने ऐसा किया तो उसका कोड़ ठीक हो गया, और ये बात पूरे गांव में फैल गई, और जिसको जैसे सांप ने काटा होता है वो भी यहाँ पे आता है और नागनी माता का शक्कर प्रसाद लगाता है और जल की धारा से स्नान करता है, तो उसके सारे जो जहर होता है वो उतर जाता है और वो ठीक होकर घर से जाता है। तो ऐसी बात पूरे गांव में इन नागनी माता का चमत्कार फैल गया है, जिससे ये प्रसिद्ध मंदिर हो गया है। और हिमाचल में ऐसे ही नागनी के सात माता हैं, तो जो अभी हम जिस नागनी माता मंदिर आए हैं, ये नागनी माता बड़ी नागनी माता है, जो कि बड़वार में स्थित है, जो कि काफ़ी प्रचलित है पूरे हिमाचल में। आप अगर हिमाचल जाओगे और बड़ी नागनी माता के किसी से भी पूछोगे, तो आपको कोई भी यहाँ के चमत्कार को बता देगा। बहुत चढ़ाई है, बहुत ऊंची तक चढ़ाई, आपको बाद में दर्शन कराते हैं।
आ जाए यहाँ पर। यहाँ पर पानी का बहुत लक्षण है। हर पोस उगाड़ना गाइस, तो यही है जल की धारा। ये जो दीवार है माता के, मैं आपको दिखा रही हूँ, यही चमत्कारी जल की धारा है जो माता के चरणों से आ रहा है। यहाँ पे ये जो लड़की जा रही है यहाँ से निकलती है, ये जल पूरे 3 गांवों को पानी की आपूर्ति करती है, प्लस स्वच्छता क्या चलती है और बिजली को भी। आगे जाके ये बहुत बड़ी नदी का रूप ले लेती है और सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करती है। जल को नहाने से आपके शरीर के जितने भी, जो आपके चमड़ी के जितने भी रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। बहुत चमत्कारी जल है ये माता रानी का। और अभी माता रानी को आपको शक्कर भी दिखाती हूँ। अभी हम पहले नागनी माता के मत्था टेक लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, जो आप पीछे पानी देख रहे हो वो पानी माता के चरणों से निकलता है और आगे जाके नदी का रूप ले लेता है। तो पानी की जो स्टार्टिंग होता है जल का, और इसमें क्या है, इसमें जल का क्या महत्व है बताना। अरे कहना क्या चाहते हो? माँ तो मैं चरणों से निकलता है, चरणों से निकला है, इससे 7 चक्कियां उसके बाद लेनी है। सात चक्की जो आटे की पीसने की होती है, इससे इस पानी से 7 चक्कियां चलती है, नदी बन जाती है। और दे देना पानी, कोई बात नहीं। और लाइट बनाने के पानी, बिजली का, बिजली बनाने के, और लोगों के घर पानी पहुंचाने का पानी आता है। भूख लगे लुको मेरे फोटो खींच ली। मेरे लंबा लगा ना, इसमें लगा
किधर है शक्कर? शक्कर ये है शक्कर, नागनी माता का शक्कर। नागनी माता यहाँ पे रहती है ना, इसी को नागनी माता का शक्कर बोलते हैं। इससे क्या होता है? इससे ना जो लगा लो, खा लो और लगा लो, लगा लो। सीसीटीवी कैमरा भी है। और तो फिर सुनिया सब कुछ है, ठीक है। माता जी के दर्शन हो रहे हैं। अरे और जाने पर धान पर ढोक ढोक है। तो गाइस ये ले लिए मैंने नागनी माता के शक्कर। ये जैसे नागनी माता रहती हैं वहाँ पर, और उनके पेरेंट प्रसाद है। और जैसे शक्कर जहाँ से होती है प्रॉपर, और हमारे ये छोटे पांडू हैं, ये हमारी असली पांडू नहीं है। पांडू पांडू चलो शूज पहन, फोटो तो ले लो यहाँ से सारे जनता ले। गाइस तो हमको हो गए हैं नागनी माता के बहुत अच्छे से दर्शन। हमने दर्शन भी कर लिए और जहाँ से माता जी का चलाता है वो भी, और ये फूल भी ले लिया, वहाँ की निशानी प्रसाद भी ले लिया है, माता जी का शक्कर भी ले लिया है, और सबने मत्था भी टेक लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ से घर जा रहे हैं। हमने नाश्ता कर लिया था तो नाश्ते का यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि जगह नहीं बैठ रही थी, तो वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। बाकी नाश्ते का भी अच्छा है यहाँ पे, समोसे पकौड़े काफी अच्छी चीजें मिलती हैं खाने पीने की, और यहाँ पे मेले भी लगते हैं। मेले कब लगते हैं यहाँ पर? मेले मई जून, तो यहाँ ना मई और जून में ना मेले भी लगते हैं, नागनी माता के मेले, तो तब काफी रश होता। अभी तो खैर कम भीड़ थी तो काफी अच्छे से दर्शन हुए थे माता रानी के। और अभी इसके बाद हम घर जाएंगे, तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो एंड। तब के बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।